तो समाजवादी पार्टी जो है 4 टिकट दी है, 4 टिकट मतलब लिविंग चूज दिए है, जहाँ से हारने का ज्यादा है वहीं से टिकट दिए है। भारतीय जनता पार्टी को उस बार सबका 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 विकास के जरिए आए थे, इस बार वो मतलब आरक्षण भी घोटाला कर दिए हैं और किसान भी परेशान है, इसलिए खदेड़ा होगा उनका। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम जो है मौजूद हैं विधानसभा बाबागंज में और गांव का नाम है गरीबपुर। यहाँ पे पाल समाज के और मौर्य समाज के लोग उपस्थित हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे इनका क्या रुझान है, किस पार्टी को वोट देंगे, बीएसपी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या जनसत्ता पार्टी को देंगे, क्या रुझान है, आइए बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में जगन्नाथ पाल जी हैं, उनसे भी पहले बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन मायावती जी के नेतृत्व में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। यहाँ से आदरणीय बहन जी ने श्री सुशील कुमार गौतम जी को आशीर्वाद दिया है और वो यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। हम लोगों का, हमारे समाज का पूरा उनके साथ समर्थन मिला हुआ है और वो भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। हम दूसरे व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो हमारे साथ में पाल समाज से मौजूद हैं, क्या कहेंगे, पाल समाज के लिए क्या मुद्दे होंगे बहुजन समाज पार्टी में? जो हमारे समाज को हक और अधिकार देने का काम करेगा उसी को हम लोग चाहते हैं, ये नहीं कि जो न दे उसे उसको हम दूर भगाएंगे। ये पाल समाज जो है अब रामास्वामी पेरियार और कांशीराम या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या हमारे जो महापुरुष हैं उनको राजमाता अहिल्याबाई होलकर का जो हमारे ग्राम सभा में फोटो लगवाने काम करेगा उसी को पाल समाज समर्थन करेगा। आपके कहने का मतलब है कि जो सामाजिक परिवर्तन करेगा, जो सी पार्टी करेगी उसको हम वोट करेंगे? जो तो क्या लगता है कि सामाजिक परिवर्तन को कौन सी पार्टी लेकर चलती है? इस 403 विधानसभा हैं, 403 विधानसभा में जो अधिक वोट देने हमारे समाज को मान्यता देगा विधायक बनाने में, उसी को हमारा समाज लाइक भी करेगा, उसी को वोट भी देगा। नहीं, देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन और समाज सुधार का सबसे ज़्यादा काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी की है। हाँ, क्या दर्शा रहे हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे? हाँ, वो वोट तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो हमारा लक्ष्य है लक्ष्य को भी हमारा तय करेगा ये। तो क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है और सभी लोग मिलकर के यहाँ सुशील गौतम को बाबागंज विधानसभा से विधायक बनाने जा रहे हैं। अपार जन समर्थन है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद है और सर्व समाज के लोग सुशील गौतम को विधायक बनाने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में युवाओं की काफ़ी भागीदारी बढ़ रही है, तो हम युवा से बात करना चाहेंगे, युवाओं का क्या संदेश है, क्या संदेश भी आपको? जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी हमारे पाल समाज को सबसे ज़्यादा टिकट देने का काम किया है, इसलिए हम भी इसकी तरफ रुझान अपना करेंगे। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है 4 टिकट दी है पाल समाज, 4 टिकट मतलब लेबिन चूज दिए हैं, जहाँ से हारने का ज़्यादा है वहीं से टिकट दिए है। अगली बार तो जो है भारतीय जनता पार्टी को पूरा पूरा वोट पाल समाज किया था, 3 टिकट इस बार दी है, क्या कहें? तो भारतीय जनता पार्टी को उस बार सबका 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 विकास के जरिए आए थे, इस बार वो मतलब आरक्षण भी घोटाला कर दिए हैं और किसान भी परेशान है, इसलिए खदेड़ा होगा उनका। जिस तरह से मायावती सर्व समाज को लेकर चल रही हैं, चाहे पाल हो चाहे मौर्य हो, सभी लोग मन बना लिए हैं बीएसपी पार्टी को सरकार में लाने